आगाज करेंगे तो मिशन 2022 करीब आते ही भाजपा की तैयारियां तेज होने लगी हैं। भाजपा फिर से सत्ता वापसी की तैयारी कर रही है और इसीलिए अब पार्टी के केंद्रीय नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचे हैं। जेपी नड्डा के दौरे की 5 अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो एक तरफ वो तस्वीर है जो जेपी नड्डा की काफी हरिद्वार जब काफिला पहुंचा, दूसरी तस्वीर में पार्टी कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। इसके साथ ही एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी नड्डा को बुके भेंट कर रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी नड्डा का स्वागत किया। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने दौरे के पहले दिन पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों, मोर्चे के प्रदेश अध्यक्षों और महामंत्रियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने सभी सांसदों और विधायकों, मंत्रियों और समितियों के साथ बैठक की। तो आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है और चुनाव को लेकर धर्मनगरी से विजय शंखनाद कर दिया गया है। तो किस तरह से आने वाले चुनाव से पहले माहौल बनाया जाए, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज तमाम बैठकें ली और उसमें मिशन 2022 से पहले मंथन किया। तो किस तरह से सरकारी योजनाएं जन जन तक पहुंचाई जाएं, उसको लेकर चर्चा हुई। विधायकों को और पदाधिकारियों को, सबको, जिनके अपने अपने जो काम हैं संगठन में पहले से निर्धारित हैं, उन्हीं कामों को और बढ़ाने की ओर जो है उन्होंने कहा है और बढ़ाएं। नहीं, जनरल एक संवाद चल रहा है और उसी पर संगठन को बढ़ाने के लिए बूथ को कैसे मजबूत करना है, बूथ से नीचे जो है हमारी जो इकाइयाँ हैं, पन्ना प्रमुख और उससे नीचे की भी इकाइयाँ, सभी पर जो है बात हो रही है। वहीं जेपी नड्डा के दौरे को लेकर क्या कहना है भाजपा नेताओं का, चलिए वो भी आपको सुनवाते हैं। आशय जी का दौरा लगना निश्चित रूप से पूरी संगठन को एक ताकत है, निश्चित रूप से सभी जनप्रतिनिधियों को एक सटीक मार्गदर्शन मिलता है और निश्चित रूप से 2022 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है तो उसमें किस प्रकार की हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्या हमारे विभिन्न कार्यक्रमों के आयाम होने चाहिए, किस प्रकार से अधिक जुड़ा जा सकता है, किस प्रकार से हम लोग और अधिक एक्टिवेट हो सकते हैं, वो सारी दिशाओं में जो है मार्गदर्शन प्राप्त होता है। निश्चित रूप से एक उत्साह आता है, एक ऊर्जा आती है। उनके आने से हम सबको बहुत मजबूती मिलती है, हमारा कार्यकर्ता और ज़्यादा रिचार्ज हो जाता है। जैसे कि शीशा तो शीशा है, अगर कभी कभी उसमें उड़ती हुई धूल आ जाती है तो सफाई करने पर उसकी चमक बरकरार रहती है। हमारे कार्यकर्ता हर प्रकार से सक्षम हैं। जैसे जैसे अध्यक्ष जी आते हैं तो उनके आने के बाद हम दोबारा से रिचार्ज होते हैं। मैंने कहा कि विकास का बड़ा मुद्दा है, बड़ा इशू विकास है और विकास यदि कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके जो आज आए हैं, तो निश्चित है कि उनके उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित, मैंने कहा ना, 2/3 बहुमत लेकर हम जीतेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के आगमन से एक रक्त संचार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में हुआ है, एक नैसर्गिक ऊर्जा प्राप्त हुई है और हमारे सामने जो मुश्किलें सामने चुनाव की खड़ी हैं वो इससे आसान हो जाएंगी। वजह क्या है, कहते हैं कि भाई गुटबंदी है, गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में है। मैं आज इस बात को झुठला देना चाहता हूं, कोई गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, कमल के झंडे के नीचे सब एक हैं। तो जेपी नड्डा के दौरे को लेकर पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। शनिवार को जेपी नड्डा के दौरे का दूसरा दिन है और दूसरे दिन नड्डा पूर्व सैनिकों से संवाद और सैनिक सम्मान कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम रायवाला में रखा गया है और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश भर में भाजपा के निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों, मेयर, ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों, BDC के अध्यक्षों की बैठक लेंगे। इसके बाद कोर ग्रुप की बैठक होगी। कार्यक्रम के अंतिम में आखिरी सत्र में वो साधु संतों का अभिनंदन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण भी करेंगे। और आइए सीधा रुख कर लेते हैं देहरादून से। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हरिद्वार से हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। उन्हीं से जानते हैं आज पहला दिन जेपी नड्डा के दौरे का और क्या खास रहा। अजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे आज
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे का पहला दिन आज क्या क्या खास रहा, लगातार बैठकें होती रहीं। लवी देखिए, जैसा अभी आपने दर्शकों को बताया है कि किस तरह से आज जेपी नड्डा ने बैठकें ली हैं, वो मंत्रियों के साथ बैठे हैं, विधानमंडल दल के साथ बैठे हैं, सांसद सभी बुलाए गए थे, एक आध को छोड़कर मैक्सिमम सांसद यहाँ पर भाग लेने के लिए आए थे। उन्होंने अलग अलग से बात की और उन्होंने एक जगह भी सबके साथ सामूहिक तौर पर भी बातचीत की है, वो बैठकें चलती रही हैं। और जो पदाधिकारियों से एक सेशन जो शुरू हुआ था 2 बजे, उसमें संगठन के पदाधिकारियों से उन्होंने बातचीत की और उनसे पूछा कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, जो पीपल सेंट्रिक योजनाएं हैं, उनको हम जनता तक पहुंचाने का काम कैसे कर रहे हैं। और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से ये भी पूछा कि हमारे कार्यकर्ताओं को के लिए आगे का जो रेड वो एक जो ब्लू प्रिंट तैयार किया जाना था, कार्य योजना तैयार की जानी थी, वो हो चुकी है कि नहीं, हमारा कार्यकर्ता किस लेवल पर खड़ा है, हमारी जो बूथ समिति है, हमारी बूथ लेवल समिति है, हमारे जो पन्ना प्रमुख हैं, और जो पिछले दिनों आपने लवी देखा होगा काशीपुर में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष आए थे, तो उसमें उन्होंने जो हर विधानसभा क्षेत्र के लिए पूर्णकालिक विस्तारक और हर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक संयोजक जो उसी दिन यहाँ से कूच कर गए थे और अपने अपने क्षेत्रों में चले गए थे, चुनाव के बाद ही लौटेंगे, तो उन्होंने उन पूर्णकालिक विस्तारकों की भी एक अपडेट ली, एक प्रगति रिपोर्ट ली है कि वो क्या कर रहे हैं, उनका काम कैसा चल रहा है, क्या उनके साथ, उनका संगठन के साथ, सरकार के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ किस तरह का तालमेल है, कोई समस्या तो नहीं आ रही है, कोऑर्डिनेशन कैसा है। तो ऐसी तमाम चीज़ें तमाम बैठकें आज भी हुई। ऐसी बैठकों में सभी में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, तो ये सब तमाम लोग हर बैठक में शामिल हुए और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये सारी अपडेट दी। जी लगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो ये थे हरिद्वार से ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी, जो अपडेट दे रहे थे आज संगठन को लेकर और बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, चर्चा हुई और आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति जो है उस पर मंथन किया जा रहा है। तो जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे से भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और वहीं कांग्रेस ने जेपी नड्डा के सामने कई मांग रख दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड आए हैं तो उनसे ये उम्मीद है कि वो सरकार को निर्देशित करें कि उत्तराखंड में तमाम वर्गों की जो मांगे हैं वो पूरी की जाएं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नड्डा के दौरे को लेकर तंज कसा। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुप्रतीक्षित जो विभिन्न मांगे उत्तराखंड के विभिन्न वर्गों से हैं वो राज्य की सरकार को निर्देशित करेंगे कि उन मांगों पर सरकार तत्काल निर्णय ले और राज्य के हित में फैसले जारी करें। मैं उम्मीद करता हूं कि वो आकर उत्तराखंड के उन गरीब लोगों के हित में यहां की सरकार को वो योजना, कांग्रेस की योजना को जो बंद कर दी उन्होंने, उसको दोबारा शुरू करने के लिए आदेशित करने का काम करेंगे। उनका वक्त आया है तो आएंगे नेतागण, अच्छी बात है, उन सबका स्वागत है जो भी उत्तराखंड के अंदर आए। मगर एक बात हम कहना चाहते हैं कि अब कुछ भी हो, भाजपा कितना ही शीर्षासन कर ले मगर उत्तराखंड की जनता अब उनको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। चलिए, तो कांग्रेस ने निशाना साधा, वहीं जेपी नड्डा के कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी पहुंचे हैं और इस दौरान अनिल बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड में बनने जा रहे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ उत्तराखंड सरकार जल्दी कैंसर हॉस्पिटल को लेकर एमओयू साइन करने जा रही है। टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट राज्य में कैंसर यूनिट बनाएगा। बलूनी का कहना है कि कैंसर हॉस्पिटल इस साल के आखिर तक अस्तित्व में आ जाएगा। कैंसर अस्पताल हरिद्वार या हल्द्वानी में खुल सकता है, जिसके लिए जमीन का चयन भी कर लिया गया है। सप्ताह के अंदर उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक प्रपोजल एटॉमिक एनर्जी विभाग को जाएगा और एक एमओयू एटॉमिक एनर्जी विभाग, उत्तराखंड सरकार और टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के मध्य होगा। इस वर्ष के अंदर हमारा एक प्रयास रहेगा कि टाटा कैंसर हॉस्पिटल की एक इकाई उत्तराखंड के अंदर प्रारंभ कर दी जाए। जो राज्य सरकार की तरफ से जो कल चर्चा में आया है उसमें 3-4 अच्छे भवन, जो बने बनाए भवन हैं जो अस्पताल के रूप में उपयोग हो रहे हैं, उनके ऊपर चर्चा है। कुमाऊं के अंदर भी और गढ़वाल मंडल में भी, देहरादून के नज़दीक, हरिद्वार के आसपास भी कुछ इस प्रकार के स्थल हैं जहां पर बनाया जा सकता है। तो आने वाले समय में राज्य सरकार को तय करना है। तो उत्तराखंड में कैंसर अस्पताल की कवायद अब तेज हो गई है। वहीं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। अनिल बलूनी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली में
कुछ पंजाब में कुछ और देहरादून में कुछ और बोलते हैं, इसीलिए केजरीवाल कभी अपनी बात पर कायम नहीं रहते हैं। हम लोगों का अनुभव अरविंद केजरीवाल जी के साथ जितना रहा है, अरविंद केजरीवाल जी कभी अपने वादे पूरे नहीं करते और अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल अपना रंग बदलते रहते हैं। कहीं पर वो आध्यात्मिक राजनीति की राजधानी की बात कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर जब वो सीए के पक्ष में तरह तरह के बातें करते थे, जब वो तुष्टीकरण की बात करते थे, जब वो एक जाति धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं, दिल्ली के अंदर वह बिल्कुल उल्टी बात करते हैं। दिल्ली के में वह जिन शक्तियों के साथ हैं उन शक्तियों की बात, दूसरी शक्तियों की बात करते और यहाँ आके बिल्कुल 180 डिग्री पर आकर आध्यात्मिक बातें करने लग जाते हैं। तो यही उनका असली चेहरा है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में कुछ और बात करते हैं, पंजाब में जाके कुछ अन्य बातें करते हैं और दिल्ली में तो वो तुष्टीकरण की उन्होंने सीमाएं तोड़ दी है। उनके विधायक जिस प्रकार से हिंदू धर्म के बारे में और आध्यात्मिक राजधानी क्या उनके बारे में जिस तरह के शब्द कह सकते हैं वो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह भी नहीं सकता हूं। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी कृपया इस तरह का झूठे बयानबाजी बंद करें। दिल्ली में कितना फ्री का बिल आ रहा है पता लग जाएगा। दिल्ली में बिजली के बिल में जितने तरह के सरचार्ज वो लगा रहे हैं, इसलिए वहां तो वो भांति भांति के सरचार्ज लगाते हैं और फिर कहते हैं कि हम फ्री बिजली दे रहे हैं। हमारा मानना है कि दिल्ली के अंदर भी फ्री बिजली नहीं दी जा रही। चलिए तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर भी निशाना साधा है। अनिल बलूनी ने कहा कि हरीश रावत बीता हुआ कल है, वो 5 साल में 3 बार चुनाव हार चुके हैं, इसीलिए सूबे की जनता उन्हें गंभीरता से नहीं लेती है। कांग्रेस के जो उनके मूल विचारधारा के लोग उनके साथ है वही उनको छोड़ चुके हैं, तो यहाँ उत्तराखंड से उनको किस तरह की वो अपेक्षा करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को समर्थन करने वाली है। पिछले चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने स्पष्ट दिखा दिया है, हरीश रावत जी को 2-2 सीटों पे चुनाव हार गए। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद उनका कोई भविष्य इस उत्तराखंड के अंदर है। वहीं रामनगर में एक जिप्सी गाड़ी उफनती नदी के बहाव में बह गई। ये जिप्सी सैलानियों की बताई जा रही है और जिप्सी सवार लोग तो किसी तरह इससे निकल गए मगर जिप्सी नदी के तेज बहाव के साथ बहने लगे। बाद में ट्रैक्टर की मदद से जिप्सी को किसी तरह से नदी से बाहर निकाला गया। उत्तराखंड में इन दिनों बारिश हो रही है जिस वजह से नदियां उफान पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो जिप्सी है उफनती नदी में बहने लगी। हालांकि जिप्सी सवार लोगों की जान तो बच गई लेकिन जिप्सी गाड़ी पानी के तेज बहाव में बह गई। बाद में ट्रैक्टर की सहायता से इसे बाहर निकाला गया। और रुद्रप्रयाग से आ रही है बड़ी खबर, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। रुद्रप्रयाग में बढ़ रहा अलकनंदा नदी का जलस्तर, तो शिव मूर्ति के कंठ तक पहुंच चुका है पानी, इस वक्त की बड़ी खबर। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे कई जगह से बाधित, लगातार हो रही बारिश से केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण काम प्रभावित हो गया, तो शिव मूर्ति के कंठ तक पहुंच चुका पानी, इस वक्त की बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग में बढ़ रहा अलकनंदा नदी का जलस्तर, शिव मूर्ति के कंठ तक पानी पहुंच चुका है। उधर मसूरी में एक ट्रक भी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने पैराफिट पर चढ़ गया और ट्रक का आधा हिस्सा सड़क पर टिका रहा जबकि आधा हिस्सा हवा में झूलने लगा। गनीमत रही कि टक्कर के बाद ट्रक नीचे नहीं गिरा, वरना नीचे की तरफ बने घरों के ऊपर ये ट्रक अगर सीधे गिरता तो काफी ज्यादा नुकसान होने की संभावना थी। वहीं बारिश की वजह से गंगोत्री हाईवे भी कई जगह पर बाधित हो गया है। हाईवे पर कई ऐसे डेंजर जोन बन गए हैं जहां पर मलबा गिर रहा है जिस वजह से हाईवे बाधित है। नगुण के पास नेशनल हाईवे बाधित है, ऐसे में राहगीरों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। गनीमत रही कि बीआरओ की टीम ने किसी तरह हाईवे को खोल दिया मगर बारिश की वजह से आशंका बनी हुई है कि हाईवे फिर बंद हो सकता है। नगुण के पास नेशनल हाईवे 9 घंटे तक बंद रहा। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कल से प्रदेश भर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कुदियाल का कहना है कि बीजेपी सरकार लगातार आम आदमी की कमर तोड़ने का काम कर रही है। इस समय में 450 रुपए के आसपास हुआ करता था और तब उनके केंद्रीय नेता सड़कों पर सिलेंडर लेकर बैठते थे, छाती पीटते थे, हाय 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 महंगाई। और आज उन्हें ये आभास नहीं हो रहा है कि 1000 रुपए के पार जाने के बाद भी फिर भी कल 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जब तक
आचार संहिता नहीं लगती तब तक ये अनवरत ये वृद्धि जारी रहेगी। उधर देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ गंगोत्री धाम में पुरोहितों का धरना प्रदर्शन जारी है। तीर्थ पुरोहितों का धरना 70वें दिन भी जारी रहा, जबकि क्रमिक अनशन को 50 दिन भी पूरे हो चुके हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है जब तक सरकार देवस्थानम बोर्ड को रद्द नहीं करती धरना जारी रहेगा। उधर रुद्रपुर में संयुक्त मोर्चा उपनल कर्मचारी संघ के बैनर तले दर्जनों कर्मचारियों ने सरकार की बुद्धि शुद्धि का यज्ञ किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आत्मदाह करेंगे।